हेलो एवरीबॉडी, दिस तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गोहैश बिदर। आज हम यहाँ पर ख़ास मुलाकात में मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब के साथ हैं, जो कि फाउंडर और सेक्रेटरी हैं विस्टम इंस्टीट्यूशंस बिदर के। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। तो हम इंस्टीट्यूशंस पे आए, यहाँ पर बहुत सारे लोग, बच्चों की यहाँ पर भीड़ देखी, बहुत सारे रिजल्ट्स के बारे में बातचीत करी थी। सर, ये बताइए कि विस्टम इंस्टीट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली 2006 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट जब सामने आई, तो हम वी आर ओनली द पीपल दोज कंडक्टेड इंटेलेक्चुअल टॉक इन बीदर विद द हेल्प ऑफ अ जर्नलिस्ट मिस्टर खाजी अरशद अली एंड मिस्टर तनवीर। और लर्निंग आउटकम हमारा ये आया कि जो बच्चे 10th और PUC के हैं, उनके लिए हम कोचिंग प्रोवाइड करें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरह हमने विजडम एकेडमी शुरू की पहले 2006 में, फिर दो साल के बाद 2008 में हमने विजडम PU कॉलेज शुरू किया। इस तरह विजडम PU कॉलेज को आज 10 साल मुकम्मल हो गए, ताकि हम एक क्वालिटी एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्पेशल कोचिंग दें। अल्हम्दुलिल्लाह अब विजडम अपना एक डिकेट यानी 10 ईयर्स कम्प्लीट किया है PU कॉलेज, और रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा। सर, आप एक सवाल हमारा ये आ रहा है कि जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, जिन्हें मेडिकल क्वालिफाई होते हैं बट उन्हें सीट नहीं मिलती है, तो उनके लिए विजडम इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है उनके लिए? विजडम विजन 2025 एक प्लान के साथ, एक विजन, क्लियर विजन के साथ हम ये अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूशन ही नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। तो ये हम विजन 2025 के डिसीजन के तहत इस साल हमारा एक नया वेंचर, वो है हमारा नीट फोकस बैच, नीट 2019 फोकस्ड रिपीटर बैच। ये बैच PUC सेकेंड ईयर साइंस से ऐसे स्टूडेंट्स जो पास हो चुके हैं और 2018 में इस साल नीट एग्ज़ाम भी दिए हैं, क्वालिफाई भी हुए हैं, लेकिन किसी वजह से उन्हें फ्री मेडिकल गवर्नमेंट सीट वो हासिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं, तो उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने मकसद को भी, टारगेट को भी चेंज ना करें, मेडिकल का जो गोल है उसी पर वो कायम रहें। बस 8-9 महीने की बात है, अगर वो रिपीट कर लें तो हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह दे वुड बी डॉक्टर। सर, लेकिन आपके पास वाई टू चूज़ विजडम, आपके इंस्टीट्यूट क्यों चूज़ करना चाहिए, और नीट में आपके पास एडमिशन करेंगे तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गेटिंग इनटू द ग्रुप? हमारे पास जो रिजल्ट परसेंटेज है, इन फैक्ट बीदर ही में नहीं, करीब में गुलबर्गा, हैदराबाद और बेंगलुरु के किसी कॉलेज का स्ट्रेंथ और तदाद के लिहाज से ये तनासब और रेशो रिजल्ट का नहीं है। अभी आपको हैरत होगी ये जानकर कि इस साल 2018 में जो हमारा रिजल्ट आया है वो 2:1 है, यानी हर 2 स्टूडेंट में से 1 स्टूडेंट को फ्री गवर्नमेंट सीट मिल रही है। नीट FTB1 बैच में 30 स्टूडेंट थे, 15 स्टूडेंट हमारे मेडिकल सीट पर कब्ज़ा जमा लिए हैं और कर्नाटक के डिफरेंट कॉलेजेस में वो एडमिशन ले चुके हैं। वो अपने डिज़ायर को और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, और ये बहुत आसानी से हम उन्हें डॉक्टर बना सकते हैं, क्योंकि वी आर वेल इक्विप्ड, वेल मैनेज्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड एंड वेल स्किल्ड। वी हैव द गुड मटेरियल, रिजल्ट ओरिएंटेड फैकल्टी। वी हैव 3-tier फार्मूला फॉर प्रोवाइडिंग कोचिंग एंड टीचिंग, फुल टाइम फैकल्टीज और पार्ट टाइम फैकल्टी और फिर आउटसाइडर फैकल्टी। हम नीट रिपीटर बैच में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक्सपर्ट फैकल्टीज फ्रॉम मंगलूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, इवन कोटा, लखनऊ और दिल्ली, हैदराबाद से हम बुला रहे हैं। जैसे कि आप अदर स्टेट्स में देखते हैं नीट की फीसेस लैक्स ऑफ रुपीस में रहती है, तो क्या विजडम इंस्टीट्यूट बच्चों की, आम जनता की मांग को पूरा कर सकता है? हाउ इज़ इट अफोर्डेबल है, या कैसा है फीस स्ट्रक्चर आपका? आज की तारीख में पूरे इंडिया में ख़ास तौर से नीट की जो कोचिंग है और नीट के जो रिजल्ट हैं, बीदर
एक आइकॉन बने हुआ है। यहाँ पर हम डॉक्टर्स बना रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और मुल्क के कोने कोने से लोग इंक्वायरीज के लिए भी आ रहे हैं और यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और इसलिए पढ़ रहे हैं कि दीगर शहरों में, ख़ास तौर से साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में, या करीब के शहरों गुलबर्गा और हैदराबाद में, किसी भी कॉलेज में 2 लाख से कम फीस नहीं है, जबकि यहाँ पर 70-80 हज़ार में हॉस्टल के साथ आपको फूड एंड एकोमोडेशन के साथ कंप्लीट पैकेज ईयर का है। तो इतनी सस्ते में इतनी महंगी कोचिंग और इतनी अच्छी रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग, मैं समझता हूँ बीदर जो कर्नाटक का एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहलाता था, वो नीट कोचिंग, रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग, इकोनॉमिकल कोचिंग में आज पूरे इंडिया में ये शहर का नाम है, और हम भी कंपटीशन में बड़ी खुशी के साथ बच्चों पर खर्च कर रहे हैं और रिजल्ट हमें आ रहे हैं, यही हमारे लिए बस है। फाइनली जैसे कि आप सब देख रहे हैं गुहैश बिदर, यहाँ पर हम आज मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब के साथ हैं। सर, फाइनली हमारी ऑडियंस को क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट? अभी लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है हमारा, उसमें खास दो बातें हैं। पहली बात यह कि 15 बच्चों में 3 बच्चे गरीब मजदूर के बच्चे हैं, और 3 बच्चे ज़िले बीदर के देहात के बच्चे हैं, जो चनबसप्पा, रोहित भोसले और नागप्पा हैं, और जो मजदूर के बच्चे हैं वो हंदीकेरे के सुफियान हैं और गुलबर्गा ज़िले के सुल्लेपेट के आरिफ हैं, जिन्हें रायचूर में एडमिशन मिल गया, और चनबसप्पा को कोप्पल में एडमिशन मिल गया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। करोड़ों रुपए देने से उतनी खुशी आज मुझे हासिल नहीं हो रही, जो खुशी मुझे इन बच्चों को मैंने पढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आया, उनके माँ बाप वो सब बहुत खुश हैं। गरीब मजदूर देहात के बच्चे जिन्हें हमने फुल्ली एडॉप्ट किया था, फ्री कोचिंग प्रोवाइड की थी। तो अब भी अगर कोई ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका 1,25,000 के अंदर ऑल इंडिया नीट रैंक हो और वो MBBS में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हो और इस साल उन्हें एडमिशन न मिला हो, तो वह हमारे पास ज्वाइन करें। मैं उन्हें 75% फीस में स्पेशल कंसेशन, राहत और रियायत देने के लिए विजडम इंस्टीट्यूशन तैयार है। और अगर किसी का 1,25,000 से 2.5 लाख तक है, तो वैसों को भी हम 50% कंसेशन देंगे, यानी इन्हें सिर्फ 50% फीस देनी होगी, जबकि 1,25,000 के अंदर जिनका रैंक है उन्हें सिर्फ 25% फीस देनी होगी। वेरी गुड न्यूज़ कमिंग अप हियर एट विजडम इंस्टीट्यूशंस। अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपको सीट नहीं मिली है, तो डोंट बी अपसेट, नाराज नहीं मत होइए। विजडम इंस्टीट्यूशन एक अच्छा ऑफर लेकर आया, अगर आपकी सीट 120 रैंकिंग अगर 1,25,000 के अंदर होती है, तो 25% फीस में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, नीट कोचिंग दी जाएगी। अगर 125 से 2.5 लाख के बीच में अगर आपकी रैंकिंग आती है, तो 50% पर आपको ये कोचिंग दी जाएगी। तो वंडरफुल इनिशिएटिव टेकन बाय द ग्रुप विजडम इंस्टीट्यूशन। थैंक यू सो मच मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।